अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के बंस रोड के ऊपर। और बंस रोड की तो भाई क्या ही बात है, जब भी आप बंस रोड पे आते हैं तो आपको तरह तरह के खानों की वैरायटी देखने को मिलती है, और जब भी आएँ तो कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर मिलता है। आज भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ें चखेंगे, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे कराची हलीम, जो कि बहुत ही पुराना है, बहुत ही फेमस है, और इनका हलीम बहुत ही लाजवाब है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि कराची हलीम का ही एक नया वेंचर स्टार्ट हुआ है कराची फ्राइड हाउस के नाम से, जिनका चरगा बहुत ही मशहूर हो रहा है आजकल, और जिनका ब्रोस्ट बर्गर सैंडविचेस वगैरह ये बहुत ही लाजवाब है। क्योंकि बंस रोड के ऊपर देसी खाने तो हैं ही, लेकिन वेस्टर्न फूड इस टाइप के ब्रोस्ट बर्गर वगैरह की थोड़ी सी हमें वैरायटी कम देखने को मिलती है, और ये एक खुशगवार इजाफा है बंस रोड के ऊपर, जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे और भी देखेंगे कि बंस रोड के ऊपर क्या हो रहा है, और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर चलें। क्या हाल है भाई, सही से? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? भाई ये ज़बरदस्त माशाल्लाह कराची हलीम के ऊपर माहौल बना हुआ है। जी, ये कब से शुरू हुआ कराची हलीम? ये 1985 से शुरू किया था। अच्छा, माशाल्लाह आप देख रहे हैं माहौल ऐसा, और अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारा जो हलीम है यहाँ पे, इसका जायका क्या ऐसी सीक्रेट है? नहीं, कोई सीक्रेट नहीं है, हमने तो रेसिपी दिया हुआ भी है, इस पर लिखा हुआ है सारा रेसिपी भी। बस ये अल्लाह का शुक्र है, हमने इसका एक मेयार रखा हुआ है, जो जबान पे जायका है। एक प्लेट कितने की है? 140 रुपये की, 140। हुसैनाबाद से पहले हमने हुसैनाबाद से शुरू किया था, हुसैनाबाद से फिर बंस रोड, लसबेला, DHA, एच ब्लॉक, माशाल्लाह माशाल्लाह 5-6 टोटल ब्रांचेज है, 6-7 ब्रांच है। ये भाई यहाँ पे हलीम खा रहे हैं। भाई कैसा हलीम? अच्छा है, बिरयानी और हलीम दोनों दोनों बहुत अच्छे हैं। आपके मैं ब्लॉग देखते रहता हूँ काफ़ी। हाँ, अभी आपने वहाँ भी लगाई थी ना, वो हुसैनाबाद वाली। ये भाई सामने फ्रंट के ऊपर हलीम है, और यहाँ पे ये बिरयानी, वो बिरयानी भी बहुत ही शानदार होती है कराची हलीम की, और चिकन बिरयानी नज़र आ रही है, ये खुशबू भी बहुत आला आ रही है। मसाले वाली है भाई, मसाले वाली बिरयानी। ये यहाँ पुलाव भी रखा हुआ है भाई, ओ हो, पुलाव, बिरयानी, हलीम। अच्छा भाई, मेन रोड के ऊपर जो है ना, वो तो इनका सेटअप है, जहाँ से लोग वहाँ पे भी बैठ के खा सकते हैं, और जो फैमिली हॉल है, जो बड़ा हॉल है, वो यहाँ अंदर गली के अंदर आप आएँ तो यहाँ पर ये इनका बड़ा हॉल है, जहाँ पर फैमिली बिरयानी, हलीम और पुलाव जो है वो इन्जॉय कर रही है भाई। क्या भाई, ये बिरयानी, पुलाव, हलीम के अलावा भी आप आइटम हैं जी? इसके अलावा भी हमने अभी शुरू किया है कराची फ्राइड हाउस के नाम से, इसमें चरगा, ब्रोस्ट, बर्गर, सैंडविच, ये तमाम आइटम इसमें उन्होंने रखे हैं। चले जरा हलीम ट्राई करते हैं। बिल्कुल बैठे बैठे, बिल्कुल बैठे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और भाई बिस्मिल्लाह हम करेंगे इस हलीम के साथ, क्योंकि हलीम जो है ना, वो कराची हलीम की कोर आइडेंटिटी है, नाम ही इसका है कराची हलीम। ये आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ा गाढ़ा हलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हलीम का जवाब नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये हलीम, बिरयानी, पुलाव, ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये बहुत मुरगन ग़िज़ाओं में शुमार होती हैं, क्योंकि 1985 से ये हलीम है और बहुत ही पुराना इनका काम है, तो हर चीज़ अपनी जगह जो है ना, उनका उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। सामने कराची फ्राइड हाउस भी है, जहाँ पे इनके बर्गर, चरगा, ब्रोस्ट और इस तरह की चीज़ें हैं, और वो भी हमें टेस्ट करनी है। तो ज़रा इसको फिनिश करें, फिर वहाँ चलते हैं। अच्छा भाई, इससे पहले कि हम कराची फ्राइड हाउस के अंदर जाएं, आप लोग सब्सक्राइब का बटन तुरंत दबा दें, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब कम ही कम लोग करते हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना भी ज़रूरी है, बटन दबा दिया हो तो फिर हम अंदर जाएं। चलें। आ
हाँ भाई, हम पहुँच चुके हैं कराची फ्राइड हाउस और यहाँ पे जो है ना वो एक अलग ही माहौल बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीम। मोहम्मद फहीम भाई, आप बना रहे हैं चरगा? जी सर। रोटिसरी चिकन कितने का है फुल चरगा? सर 1000 रुपये का फुल चरगा है, 600 रुपये का हाफ दे रहे हैं सर। अच्छा, 600 का हाफ, 1000 का फुल। ये होता है भाई इसका तरीका, कैंची से इसको काटना पड़ता है। ओहो, कट के ही निकलती है ये? जी सर, कट के भी फुल भी निकल सकती है, लेकिन जैसे चॉइस हो। अभी दो ऑर्डर है उसके हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऑर्डर बहुत अच्छे हैं। ये बंस रोड पे है भी नहीं है वाली चिकन? ये चीज नहीं है सर, ये रोटिसरी चिकन नहीं है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो दूसरा चरगा है, डीप फ्राइड वाला चरगा तो है, लेकिन ये वाला नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे, हमारा डिफेंस में DHA में और एक यहाँ पे है हमारा। अच्छा जी, ये दो जगहों पे हमने ये किया, इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है माशाल्लाह से। वाह भाई वाह। और यहीं से आप देखें तो ये यहाँ पे सारा फास्ट फूड का सीन बना हुआ है। क्या हाल है भैया? अल्लाह करम, आप अल्लाह करम। काफ़ी साफ सुथरा माहौल नज़र आ रहा है भाई कराची फ्राइड हाउस के अंदर। ये जिंगर बेटा, जिंगर बेटा, काट बेटा, जिंगर काट, हटो 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 हटो। ये जिंगर लग रहे हैं, मुझे लग रहा है जिंगर लग रहे हैं, जिंगर है। जिंगर के बहुत ऑर्डर आ रहे हैं भाई, जिंगर के ऑर्डर बहुत। माशाल्लाह जिंगर की हमारी रनिंग बहुत अच्छी है। चैलेंज है मेरा कि 140 ग्राम के कोई भी यूज नहीं कर रहा हूं। 140 ग्राम का मीट? मीट सिर्फ, मीट सिर्फ, मीट 140 ग्राम, 140 ग्राम। और है कितने का जिंगर? 260 रुपये। अच्छा भाई, अब ये बन रहा है यीरो, ग्रीक सैंडविच होता है ये, ग्रीक लैंग्वेज में इसको यीरो बोलते हैं। यहाँ पाकिस्तान में कुछ लोग इसको गायरो और जायरो भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल इसकी प्रोनंसिएशन है यीरो। तो उसकी ज़रा मेकिंग हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है ये, और एक यूनिक आइटम है ये कराची फ्राइड हाउस का। ये चला गया ग्रिल पे भाई। ये जो फरहान भाई हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये अभी के अभी ट्राई करें, और ये इतना ही टेम्पटिंग लग रहा है देखने में, टेस्ट करते हैं। अलग ही आइटम है भाई, जो ये पीटा ब्रेड ग्रिल किए ना, उससे जो इसका ऊपर टेक्सचर और टेस्ट बना है, फ्राइड चिकन इसके अंदर है, इसके अंदर जो चीज़ और सॉसेज है ना स्पेशल, 320 रुपीज़ का है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही मुनासिब प्राइस है। काफ़ी हैवी है ये जो सॉसेज और चीज़ वगैरह इसके अंदर है, बहुत आला। फरहान भाई, क्या बोस्ट का ऑर्डर लग रहे हैं क्या भाई? ये चिकन रगा पे रखी हुई है, और ये जो मशीन है ना, ये हैनी पैनी की मशीन है, बहुत ही हाई टेक, बहुत ही एडवांस मशीन है ये। सारा कैलकुलेशन मुझे बताया इन्होंने कि टाइमिंग के ऊपर जो है ना वो सारी कैलकुलेशन होती है इस मशीन की, और बिल्कुल स्टीम होके ज़बरदस्त क्रिस्पी बोस इसके अंदर से निकलता है भाई, बहुत ही आला। कितने 8 मिनट के लिए करेंगे? 8.5 मिनट। ओके भाई, हमारा सेकंड मील आ गया है, मेन कोर्स हमारा सेकंड। ये देखें, ये है वो रोटिसरी चिकन, इसके साथ इन्होंने ये रायता भी दिया है और केचप और कुछ चटनी है इसके साथ। ये है हमारा चिकन ब्रोस्ट जो हमने बनते हुए देखा, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। और ये इसके साथ हमें ये स्टार्टर में इन्होंने बफेलो विंग्स दिए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सॉस इसके ऊपर नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टैंगी, बहुत ही स्पाइसी, मज़ेदार सा, थोड़ा सा स्वीट भी फ्लेवर है इसका। बफेलो विंग्स का जो सॉस होता है ना, वही मेन चीज़ होती है इसकी, और बहुत ही मज़ेदार है। और ये है हमारी फ्राइड चिकन, और फ्राइड चिकन के साथ इन्होंने ये सॉस भी दिया है। ओके, टेस्ट करते हैं भाई कराची फ्राइड हाउस की फ्राइड चिकन रोस्ट। मज़ेदार है,
फ्राइड चिकन जो है ना वो जगह जगह मिलती तो है लेकिन हर जगह की अच्छी नहीं होती, और मेरा ख्याल है कि कराची फ्राइड हाउस का ये चिकन ब्रोस्ट कराची की जो ब्रोस्ट का सीन है उसके अंदर एक नहायत ही खुशगवार इजाफा है। ऐसे जो कुकिंग है ना ब्रोस्ट की वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है। जो चिकन है उसकी स्किन के ऊपर ही थोड़ी सी मैरिनेशन करके उसको फ्राई किया गया है, जिसकी वजह से वो जो इरिटेटिंग क्रिस्पीनेस आ जाती है आर्टिफिशियल सी वो इसके ऊपर नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मज़ेदार है, काफ़ी जूसी भी है। और ये है भाई वो चरगा, वो रोटिसरी चिकन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है जब पक रही होती है उस वक्त भी, और काफ़ी स्पाइसी मसाला इसके ऊपर इन्होंने लगाया हुआ था, जो मुझे नज़र आ रहा था कि स्पाइसी ही होगा। ये अलग ही आइटम है, क्योंकि ये ब्रोस्ट बर्गर वगैरह ये थोड़े से वेस्टर्न टाइप की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ये चरगा जो है ना ये दोनों का फ्यूजन है, क्योंकि ये ज़रा मसालेदार है, ज़रा लोकल वाला टच इसके अंदर है, और पराठा भी इसके साथ मिलता है, चपाती के साथ भी आप खा सकते हैं। हल्का सा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। ये लीमू के बाद जो माहौल बनता है ना, मुझे तो मज़ा आया ही आया, लेकिन आप लोगों के मुँह में भी पानी आया है कि नहीं कॉमेंट में ज़रूर बताना भाई, क्योंकि ये चरगा जो है ना बहुत ही मज़ेदार है। बंस रोड के ऊपर जो है ना वो एक मेले का समा होता है भाई, यहाँ पे देखें आप ये कैसे। वालेकुम सलाम, बढ़िया से मैजिशियन जगलर कॉमेडियन वन मैन शो जमाल शाह, थैंक यू वेरी मच। आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो बंस रोड आ जाए। जी सर, अगर आपने कॉन्टैक्ट करना हो तो आप मुझसे नंबर ले सकते हैं। आप नंबर बताइए अपना। जी माई नंबर 03414517850। भाई ये यहाँ पे जो है ना ये हलीम का टिन पैक मिल रहे हैं यहाँ पे, मैं समझ रहा था खाली हलीम है, लेकिन खाली हलीम नहीं है, हलीम के अलावा और भी यहाँ पे आइटम जो है वो है। ये देखिए अभी चिकन कोरमा, निहारी। तो भाई जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं और अपने मिट्टी को अपने खानों को मिस करते हैं, मुझे पता है बहुत से लोग यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई वगैरह में रहते हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, आप लोग ये टिन पैक अपने वतन से वहाँ लेके जा सकते हैं, मंगवा सकते हैं, और यहाँ की सौगात परदेश में बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। यही हलीम के साथ भाई ये अस्सलाम वालेकुम पान का सेटअप बना हुआ है, पान की दुकान बनी हुई है भाई। ये आप देखें पान जो है ना वो कराची वालों की सकाफत है। ठीक है सर, है ना, बहुत अच्छे है क्या? नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है। हैं अंकल क्या कह रहे हैं, कराची पान वालों की सकाफत भी है, आन भी है, शान भी है। कराची वालों की पान आन भी है, शान भी है, सकाफत भी है। और जब तक उतने की इलायची नहीं रखे, लौंग नहीं रखे, काम नहीं बनता। जरूरी है, पान में इलायची या लौंग ना हो जब तक मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। अगर आप यही मंस रोड पर रहते हैं? जी एक नंबर यही है। अच्छा, तो और यहाँ कराची से आने से पहले कहाँ रहते थे? दिल्ली। दिल्ली के दिखते हैं। अल्फैज रबड़ी हाउस पे क्या मिल रहा है भाई आपकी? अल्फैज जी, अरे माशाल्लाह क्या क्या है? दूध दुलारी, लबे शीरी, पिस्ता रबड़ी, सादी रबड़ी और खीर मलाई। अरे वाह वाह वाह, कितनी पुरानी दुकान है ये? 50 साल हो गए तकरीबन। माशाल्लाह, तो यहीं पे जब से अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर। इन सारी चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है आप खाकर देखें? अभी पता लग जाएगा। फैज भाई जो है ना वो हमारे साथ ही बैठे हुए, 50 साल पुराना तकरीबन ये इनका सेटअप है, यहाँ पे स्टॉल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही आला रबड़ी के अंदर होते हैं लच्छे, लच्छों से ही बनती है रबड़ी, और लच्छा जो आया ना ऐसे मोटे मोटे लच्छे आए माशाल्लाह, बहुत ही आला। ये देखें आप, ये भाई दूध दुलारी, और दूध दुलारी के अंदर पूरी पूरी बड़ी बड़ी चमचम पड़ी हुई है, काजू, पिस्ता, बादाम, अंजीर। अरे वाह भाई वाह, सारे आइटम इसके अंदर मौजूद हैं। नो डाउट, हर चीज़ लाजवाब है भाई, ठंडी ठंडी मज़ेदार। बैठे हैं आप तो ठंड पड़ जाए, बहुत आला। फैज भाई आ गए आप, कराची हलीम के सामने बिल्कुल, ये अल्फैज रबड़ी और लबी शीरी वगैरह है, और भी बंस रोड के ऊपर रबड़ी की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन ये रबड़ी भी भाई बहुत ही आला और किसी से कम नहीं है, ज़बरदस्त।
जमीन जल गई, आसमान जल गया, मोहब्बत में सारा जहां जल गया। अरे वाह वाह वाह, टेस्टिंग के कोई पैसे नहीं। वाह 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 वाह, टेस्टिंग आपके लिए फ्री। भाई ये मोहब्बत है फैज भाई की, ये यही कह रहे हैं कि भाई टेस्टिंग है आपके लिए, मोहब्बत में सारा जहां जल गया, जहां जल गया भाई। तो ये मोहब्बत कराची वालों की मोहब्बत। वाह भाई, इसी के साथ आज की हमारी इस मज़ेदार सी वीडियो का इख्तिताम हुआ। बंस रोड की इस पूरी फूड स्ट्रीट के ऊपर एक बहुत ही खुशगवार इजाफा है ये कराची फ्राइड हाउस। तो आप बंस रोड पे आएँ तो कराची फ्राइड हाउस का चरगा, गोश्त और विंग्स ये ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।